नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे नए वीडियो में। नीट यूजी का एग्जाम ओवर हो चुका है। कई सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होंगे, कई सारे खुश होंगे और कईयों के मन में सवाल कौंध रहे होंगे। थोड़ा सा आराम कर लो, फिर पढ़ने में लग जाना। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है रोशन नाम के एक लड़के की। 2018 में उसने अपने 12th का एग्जाम दिया था और उसका सब्जेक्ट था PCB। वो 10th क्लास तक एक अच्छा स्टूडेंट रहा था और 11th 12th में भी उसने ठीक ठाक पढ़ाई की थी, बट इट वॉजेंट इनफ कि उसका नीट में सिलेक्शन हो जाए। और जब उसने पहला अटेम्प्ट 2018 में दिया तो उसके मार्क्स जो थे वो अपने कट ऑफ से लगभग 150 नंबर पीछे थे। तो रोशन को ये लगा कि क्यों ना एक बार अटेम्प्ट लिया जाए, क्योंकि अटेम्प्ट्स तो होते ही हैं हमारे पास, एक अटेम्प्ट और लिया जाए और इस स्कोर को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए। रोशन ने दूसरा अटेम्प्ट फिर से लिया और रोशन इस बार 50 नंबरों से फिर से चूक गया। अब रोशन के पास यहाँ से दो ऑप्शन थे। उसके गांव वाले, उसके अगल बगल वाले ताने मारना शुरू कर चुके थे, क्योंकि हमारे समाज में एक परसेप्शन होता है कि जैसे ही आपने 11th में बायोलॉजी ली तो मोस्ट ऑफ द लोग जो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन आपकी ज़िंदगी में नाक घुसाने में इंटरेस्ट रखते हैं, वो ये ज़रूर कहेंगे डॉक्टर साहब बनने जा रहे हैं, डॉक्टर बन गए हैं। इससे क्या होता है, एक तरीके का प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है आप पे, पैसिवली आप पे एक प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है। तो अब एक या दो ड्रॉप के बाद ये आपका ड्रीम से ज़्यादा आपके लिए कंपल्शन की तरह बन जाता है कि यार अब तो ये तो करना ही पड़ेगा। इस उधेड़बुन में आप ये भूल जाते हैं कि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होना कितना इम्पॉर्टेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि 11th या 12th में पढ़ने वाले मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम मतलब मोर देन 90% लोग, उन लोगों को ये आइडिया नहीं होता है कि बीइंग अ MBBS स्टूडेंट आप लाइफ में आगे क्या फेस करने वाले हो, या फिर MBBS एज अ करियर कैसा होता है आगे। ज़्यादातर लोग, कई सारे लोगों को ये लगता है कि इस फील्ड में पैसे बहुत हैं, कई लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी। चलिए कहानी पे वापस आते हैं। रोशन ने अपना दूसरा अटेम्प्ट दिया और इस बार 50 नंबर से वो रह गया था। रोशन ने फिर से तैयारी की और फिर से वो अपनी पूरे एनर्जी के साथ फिर से उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग गया। थर्ड अटेम्प्ट हुआ, इस बार रोशन 100 नंबर से रह गया, मतलब मार्क्स बढ़ने की बजाय घट गए। एंड एट द सेम टाइम रोशन का एक दोस्त था अजय नाम का। अजय ने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट का एग्जाम दिया और वो भी 150 नंबरों से लगभग रह गया था उसका सिलेक्शन होना। लेकिन अजय को ये बात मालूम थी कि दूसरा अटेम्प्ट लेते लेते तक, उस वक्त तो रोशन के साथ ही रहा, उसने तैयारी की, दूसरा अटेम्प्ट में जब उससे फिर से 100 नंबर कमाए तो रोशन, तो अजय को ये बात समझ में आ गई कि शायद ये अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा है या फिर टॉक्सिसिटी की लेवल की तरफ जा रहा है। उसने एक्सप्लोर करना शुरू किया, उसने देखना शुरू किया कि और क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि लाइफ में एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू बी हैप्पी, आपको खुश रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अजय ने फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम के एक एग्जाम के बारे में पता लगा, उसने उसका फॉर्म भरा, क्योंकि उतनी ही तैयारी में जितनी तैयारी उसने नीट की थी उसमें ही उसकी ऑल इंडिया रैंक अच्छी आ गई और अजय ने जाकर एडमिशन ले लिया BSc एग्रीकल्चर के कोर्स में। और रोशन ने ले लिया अपना तीसरा ड्रॉप और तीसरे ड्रॉप में रोशन के फिर से 100 नंबर से कम आ गए। अब रोशन के सामने प्रेशर ये आ गया था कि उसने ना तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, ना ही उसने नीट एग्जाम को अभी तक क्लियर कर पाया था, और उसके लिए ये चीज़ टॉक्सिक होती जा रही थी। जो नीट के साथ उसका जो एक रिलेशन था वो टॉक्सिक होता जा रहा था, मुश्किल और बढ़ने लग गई थी उसके लिए। उसको किसी पॉइंट पर लग रहा था कि उसके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं लेकिन फिर भी वो उसकी बात को नहीं समझ पा रहे, और रोशन सही समझ रहा था। तो उसने सोचा क्यों ना अजय से बात की जाए। रोशन ने अजय को कॉल लगाया। अजय ने उसे कहा कि मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, पढ़ाई में मन लग रहा है, मैं यहाँ एडजस्ट हो चुका हूँ। हाँ, शुरू में थोड़ा ऐसा लगा था, एक मलाल था मन में, एक फीलिंग थी दिमाग में कि यार डॉक्टर बनते तो ही होता, लेकिन फिर जब मैंने इस फील्ड को जानने की कोशिश की, जो मैंने नीट के एग्ज़ाम से पहले कभी जानने की कोशिश ही नहीं की थी, तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार ये फील्ड भी तो अच्छा है। तो रोशन ने कहा यार बट मैंने तो YouTube पे बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी हैं कि MBBS कॉलेज में जाने के बाद डांस होती है, मस्ती होती है, पढ़ाई होती है, आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है। तो अजय ने कहा कि भाई देखो, कॉलेज फेस्ट जो होता है वो किसी भी कॉलेज में होता है और आप किसी भी कॉलेज फेस्ट में उतना ही इन्जॉय करते हैं जितना किसी मेडिकल कॉलेज में करें, किसी एग्रीकल्चर कॉलेज में करें, किसी आर्ट्स कॉलेज में करें या किसी कॉमर्स कॉलेज में करें। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, अगर आप खुश रहना जानते हैं तो आप कहीं भी खुश रह सकते हैं। फिर रोशन को ये बात अजीब सी लगने लग गई। रोशन ने कहा भाई देखो, मैंने बचपन में ही सोच लिया था कि मुझे बनना तो डॉक्टर ही है। अब अजय ने उससे पूछा कि अगर मैं पूछूं तुमसे कि तुम डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हो तो उसका तुम्हारे पास जवाब क्या है। रोशन के पास कोई मुख्तलिफ जवाब नहीं था उसका उस वक्त, वो सोच में पड़ गया। हाँ यार,
ये तो मैंने भी नहीं सोचा कि मैं डॉक्टर एग्जैक्टली बनना क्यों चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी के आज 5 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। आज अजय भी खुश है और रोशन भी खुश है। रोशन ने फाइनली एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया और अजय ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फाइनली वो मास्टर्स करने के लिए USA जा चुका है। अजय ने सही समय पर करियर अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहा और उसने एक्सप्लोर किया और उसने एक सही डिसीजन अपने लिए लिया लाइफ में और वो आज खुश है। ऐसे बहुत सारे अजय की कहानी है जो आप तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि हम लोग क्लोज्ड तरीके से हर चीज़ को एक नैरो माइंडेड होकर के हर चीज़ को देखते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि खुशी एक ही तरफ ढूंढी जा सकती है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि रोशन भी खुश है और अजय भी खुश है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब मैं अपनी बात करूं, मेरा भी जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तो लोग कहेंगे ना कि तुम भाई खुद तुमने MBBS कर ली तो तुम ज्ञान बांट रहे हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा खुद जब सिलेक्शन नहीं हुआ था 2016 में तो मैंने खुद भी इस करियर ऑप्शन को बहुत अच्छे से मतलब कंसिडर किया था। मैं जिस वक्त तैयारी कर रहा था उस वक्त यूट्यूब, ये इंस्टा और ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी इस तरीके से जितनी ज़्यादा आज करती हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि उन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह जा रहे हैं और एक ज़बरदस्ती का एक पीयर प्रेशर अपने आप पे क्रिएट कर ले रहे हैं, जबकि उनको ज़रूरत ये है कि ऑनलाइन कोर्सेज को एक्सप्लोर करें। जैसे कि ऑनलाइन में फिजिक्स वाला PW जो है वो एक शानदार एक प्लेटफॉर्म है जिस पर जाकर कि आप आराम से तैयारी कर सकते हैं बेहद ही कम कॉस्ट में। मेरे वक्त में ये PW जैसे प्लेटफॉर्म्स नहीं हुआ करते थे। और सबसे जो अच्छी चीज़ है इन प्लेटफॉर्म्स की कि इनका जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, मतलब इतने ज़्यादा कम प्राइस में इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों कवर हो जाती हैं। तो अगर आप ड्रॉप लेने का कंसिडर कर रहे हैं, अगर आप आगे की पढ़ाई शुरू करना चाह रहे हैं, आपने ये मतलब वीडियो देखने से पहले ही ये डिसाइड कर लिया है कि नहीं दिस इज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट या फिर सेकंड अटैम्प्ट और बस थोड़ा सा से रह जाएगा या फिर थोड़ा सा और एफर्ट डालने की ज़रूरत है, यू कैन कंसिडर बाइंग यकीन 2.0 ऑफ फिजिक्स वाला, जिसमें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के जो टीचर्स हैं वो 6 डेज लेक्चर्स होंगे आपके, उसके DPPs मिलेंगी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे और आपकी रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट भी होंगी। तो यार लग जाओ उसके प्रिपरेशन में, अपनी तैयारी शुरू कर दो। मैंने पहले भी ये बात कही है, मैं आज फिर से वही बात कहने जा रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है, आपकी अपनी कहानी आप खुद से लिख सकते हैं। किसी और की कहानी देखकर, चाहे वो मेरी ही कहानी क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी यूट्यूबर की कहानी क्यों ना हो, आप उसको देख करके अपनी कहानी मत बनाइए। आप खुद से अपनी कहानी लिखिए, आपको जो सही लगता है आप वो करिए। जितनी आपकी समझ है आप कोशिश करिए कि लोगों से, ज़्यादा लोगों से बात करें, अलग अलग लोगों से बात करें, अलग अलग फील्ड के लोगों से भी बात करें, क्योंकि आप जिस क्लास में, ट्रस्ट में, मैं भी आपके जैसा ही था। ऐसा नहीं है कि मैं मच्योर ही पैदा हुआ हूँ या फिर आज भी बहुत मच्योर हो गया हूँ। मच्योरिटी बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है और समय के साथ ये बढ़ती चली जाती है। जब मैं 11th-12th में था तो मुझे भी ऐसा ही लगता था और आज जब मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़ा हूँ, जब मेरी MBBS खत्म होने वाली है, ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, तब मेरे सामने NEET PG जैसा एग्ज़ाम है आगे, और उस एग्ज़ाम के लिए भी मैं उतना ही प्रेशराइज्ड फील कर रहा हूँ जितना मैं NEET UG के लिए कर रहा था। इनफैक्ट उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि इसको मैं ग्लोरीफाई करके बताऊं कि अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी ऐसे से ऐसे हो जाएगी या फिर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी को यहाँ से यहाँ किसी भी तरीके से पहुँचा सकते हैं। हाँ, अगर आप में डिटर्मिनेशन है, सेल्फ बिलीफ है, सेल्फ मोटिवेशन है, तो आप कर सकते हैं। ये वीडियो ज़बरदस्ती आपको मोटिवेट करने के लिए कि तू MBBS ही कर या फिर यही कर, पढ़ाई क्यों नहीं की, ये नहीं की, अरे उसकी ज़रूरत ही नहीं है यार। सेल्फ रियलाइजेशन करो ना, किताब लो, कॉपी खोलो, क्वेश्चन पेपर निकालो, कहाँ गलती हुई, क्या हुई, नोट डाउन करो। एंड अगर आपके अंदर से वो कॉल आती है, आपके अंदर से अगर आपको ये फील आता है कि नहीं मैं एक और चांस डिजर्व करता हूँ, तो ठीक है, गो फॉर इट ना यार, फिर मेरी बात भी मत सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द थिंग इज कि आप जेन्युइन चीज़ों, जो आपको जेन्युइनली जो रिक्वायर्ड है, आप उन चीज़ों पे अपना टाइम लगाओ। मैंने कितने बच्चों को रैंडम यूट्यूबर से कमेंट सेक्शन में देखा है कि मेरे 300D आ पाए या फिर 400D आ पाए, और बार बार उसकी वीडियो पे आके कमेंट कर रहे हैं, बार बार ये कर रहे हैं। यार वो इंसान तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा तुम्हारे स्कोर को 400 से 720 या 700 या 600 ले जाने में, वो तुम्हारे टीचर्स कर पाएंगे। टीचर्स से जाकर पढ़ो, उनके जो, उन्होंने जो तुम्हें बताया है उस पर बिलीव करो। तुम क्या कर रहे हो बार बार आकर के उन्हीं यूट्यूबर से स्ट्रेटजी, भैया रूटीन बता दो, भैया टाइम टेबल बता दो, भैया फिजिक्स कैसे पढ़े, भैया केमिस्ट्री, कोई नहीं बताएगा भैया। ये तुम्हारे अंदर का जो हारा हुआ इंसान है ना, तुम्हारे अंदर का जो इंसान जो ये हार मान चुका है या फिर जिसने हाथ खड़े कर दिए हैं कि नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो तुम आसान रास्ते ढूंढने लग जाते हो। कोई और मुझे आकर बता दे, कोई ये तरीका बता दे, कोई नहीं बताएगा तुम्हें तरीके। और अपनी लाइफ को जीना मत भूलो प्लीज़, लाइफ जीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से 10 साल के बाद तुम यही सेम इंसान नहीं रहोगे, तुम एकदम अलग इंसान होगे। और तब तुम जब पीछे मुड़कर देखोगे कि तुमने अपने आप को कितना ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा दिया था, तो कोसोगे खुद को
और बुरा फील होगा खुद के लिए, अपने पास्ट के लिए। वैसे भूलना बहुत आसान होता है, लेकिन आई नो कि जो जिन बच्चों ने अपना 100% दिया था इस अटेम्प्ट में, थोड़े से मार्क्स से रह रहे हैं या फिर बॉर्डर लाइन पे हैं, यार मेरी सिंपथी आप लोगों के लिए, बिग एंड टाइट हग टू यू ऑल, क्योंकि मैं उस फेज से गुजर चुका हूँ। आप लोग कोशिश करिए, अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, जितना हो सकता है पढ़िए, और सोशल मीडिया से हो सके तो उसको इंटरटेनमेंट या इंफोटेनमेंट के लिए यूज़ करिए। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी पढ़ाई को लेकर के इस पर मत रखिए। हाँ, जो टीचर्स अगर हैं उनसे इंटरेक्ट करते रहिए, उनसे बातें करते रहिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और हाँ, सेल्फ बिलीफ और मोटिवेशन ही आपको अपने गोल तक ले जा सकता है। और मैं फिर से जाते जाते ये बात कहना चाहता हूँ, सक्सेस का अपना सबका डेफिनेशन होता है, किसी और के डेफिनेशन को बोरो करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई एक ही का नहीं होता है सक्सेसफुल होने का। आप अपने तरीके से अपनी लाइफ में, अपनी नज़र में, अपने पेरेंट्स की नज़र में सक्सेसफुल हो सकते हैं, और उस होने के लिए आपको जो रास्ता सही लगता है आप उस रास्ते पर चलिए। और ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। और ये वीडियो कैसी लगी, आपने इसे क्या सीखा, और अगर किन्हीं के पास गुड न्यूज़ है या जैसा भी है, कुछ भी फीलिंग्स आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई करूँ उनका। और बाकी लोग, अगर आप जो, और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या वैसा फील कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग साइकेट्रिस्ट से भी मिल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।